इनर मोस्ट जोन इज नोन जोना रेटिक्यूलिस इनर मोस्ट जोन इज नोनिसोन इज नोन एंड द आउटर जोन इज नोन जोना ग्लोमे किसके डिविजन है ये दीज आर दिवीजन ऑफ एड्रीनल आपने दो पार्ट पढ़े थे कॉटिक्स एंड मेड्यूला तो अब को फर्दर तीन लेयर्स में डिवाइड किया है। अगर आप अंदर, अगर आप आप अंदर अंदर बाहर से से देखो, तो इट इज जी एफ आर आप अगर बाहर से अंदर की तरफ जाओ तो कितने लेयर्स हमारे के? आर हैज थ्री लेयर। जोन ग्लोमेर इज फेसिकुलेटा एंड द इनर मोस्ट जोन इज द जोना रेटिको आर इट रीन एल कॉटेक्स इज डिवाइडेड फर्दर पार्ट्स क्या बोलोगे कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स को क्या बोलोगे कॉटिकॉइड्स तो कहीं पे अगर कॉटिकॉइड्स पूछ ले कि जनरली कॉर्टिकल हॉर्मोन्स या कॉर्टिकॉइड क्या होता है तो आप बोल दो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो भी हॉर्मोन रिलीज होते हैं दे आर नोन एज कॉटिकॉइड ओके okay, तो कॉर्टिकल कितने रीजन में कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो फर्दर थ्री डिवीजंस हैं उसके द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा द ज़ोना फेसिकुलेट एंड द ज़ोना रेटिकुलरिस ओके नाउ इट प्रोड्यूसेस कॉर्टिकोइड हार्मोन तो अभी जैसे आपको बताया कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन क्या कहलाएंगे कॉर्टिकोइड हार्मोन नाउ अब आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कॉर्टेक्स में वो ये जो आपने तीन डिफरेंट थ्री लेयर पढ़े जो रेटिकुलरिस ईच लेयर प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन ईच लेयर प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फर्स्टली वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जोना रेटिकुलरिस इन

तो अब हम देखते हैं फर्दर हार्मोन्स ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन जिन्हें हम क्या बोलते थे दे आर नोन एज कार्टिकॉयड हॉर्मोन्स बिकॉज दे आर रिलीजिंग फ्राम एड्रीनल पार्ट दैट इज वाई दे आर नोन एज कार्टिकॉयड हार्मोन्स अब अगर हम इन कार्टिकॉयड हार्मोन का डिस्कशन करते हैं तो वी हैव मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्टिकॉयड हॉर्मोन्स नंबर वन वी हैव ग्लूको Glucocorticoid secreted by which region? It is secreted by zona glomerulosa. Zona glomerulosa. Then, second, we have mineralocorticoid. So, mineralocorticoid they are secreted by zona fasciculata. And lastly, we have androgenic corticoids. They are secreted by zona reticularis. Zona reticularis. तो आपने देखा था कि जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट था उसको हमने तीन लेयर्स में डिवाइड किया था और तीन जो लेयर्स हैं ले रिस्पेक्टिव ग्लोमेरुला से जो भी से, जो भी भी ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं दे आर नोन एज ग्लूको एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ ग्लूको इज कॉर्टिसोल तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूको आपको जो याद रखना है वो कौन सा है दैट इज कॉर्टिसोल नेक्स्ट हम बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा तो जोना फेसिकुलेटा से जो भी होते mineralocorticoid. Mineralocorticoid, so, भाई बहुत सारे मिनरलोकॉटिकॉयड होते हैं लेकिन आपको सारे नहीं याद रखना है आपको सिर्फ एक मिनरलोकॉटिकॉयड याद रखना है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन बहुत सारे ग्लुकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। आपको बहुत सारे नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कोर्टिसोल। ओके, okay? then we have androgenic corticoids. So androgenic corticoids are basically steroids or the sex steroids. ओके, okay? so these are the steroid hormones secreted by the zona reticularis.

अमाइनो एसिड से लिपिड से किसी से भी अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजनासिस देन लाइपोलिसिस लिपिड्स का ब्रेकडाउन प्रोटियोलिस प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन मतलब इन शॉर्ट जिस भी चीज से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉयड वो सारी चीजों को मोटिवेट करेगा वो सारी चीज़ों को एनहांस करेगा और क्या करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉयड इट इनहिबिट्स सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स

सेल्स उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर श्योर अमाइनो एसिड विल इंक्रीज इन द ब्लड इन ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लिपिड्स अमाइनो एसिड्स एवरीथिंग विल इंक्रीज बिकॉज सेल्स जो हैं वो यूज ही नहीं कर पा रही ऑल द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड एक्सेट्रा ओके और फंक्शंस क्या है भाई मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शनिंग तो कार्टिकॉयड का भाई रोल होता है इन मेंटेनिंग द सीवीएस फंक्शन एंड आल्सो इन द रीनल फंक्शंस तो किडनी के फंक्शंस को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है देन कॉर्टिसोल स्टिम्युलेट्स आरबी प्रोडक्शन तो कॉर्टिसोल क्या है कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ ग्लूको कॉर्टिसोल क्या है इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूको जो अभी हम पढ़ रहे हैं अब ये जो ग्लूकोकॉटिकॉयड है ये आर बी सी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं क्या करते हैं ये ग्लूकोकॉटिकॉयड दीज इंक्रीज दीज इज द प्रोडक्शन ऑफ आर बी सी आर बी सी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा हो इस चीज को इंश्योर करते हैं दीज ग्लूको ओके क्लियर देन प्रोड्यूसिस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स और साथ साथ में क्या कर रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन हुआ है मतलब किसी भी चीज में इंफेक्शन हुआ है सेल्स का मास इंक्रीज हुआ है और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सो ऑल दिस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस आर प्रोड्यूसड बाय दीज ग्लूकोकॉटिकॉइ साथ साथ में वॉट इट डज मोर इट सपरेसिज आर इम्यून रिस्पॉन्स तो जो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है फॉर एनी डिजीज फॉर एनी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म द ग्लूकोटिकॉइ सपरेस द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स

ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे इन द सेक्शन फंक्शनिंग ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्लियर ओके समझ आया तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलीज्ड बाय द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स की भी ज़ोना ग्लोमेरुलोसा लेयर सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्लियर गुड

कि डिस्टल पार्ट ऑफ ऑफ वाटर डी पे काम करता है Eldosteron, और वाटर का एब्जॉर्बन कराता है एंड इट प्रिवेंट्स डायोरसिस को प्रिवेंट करता है पढ़ा है हमने ये ठीक है तो समझ में आई आपको कहानी तो एल्डोस्टुरॉइड ओके क्लियर ठीक है रीअबॉर्बेशन ऑफ एन ए प्लस एल्डोस्टुर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेनटेन कर रहा है अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सोडियम पोटेशियम फॉसफेट वाटर इंक्लूडिंग वाटर ये सारे क्या हैं इलेक्ट्रोलाइट हैं अब कहाँ पर किस टाइम पर अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशल मड्यूला में

एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और एडोल क्या होता है बॉडी जो होती है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है बॉडी रिप्रोडक्टिवली ग्रो करती है एंड उस टाइम पर क्या होता है देर देर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड्री सेक्शुअल कैरेक्टर सॉरी देर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं इट इज ड्यू टू दिस एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड और वो क्या होते हैं सेकेंड्री सेक्शुअल कैरेक्टर दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल हेयर दोनों में ही कॉमन होता है प्यूबिक हेयर ग्रोथ एंड द फेशियल हेयर ग्रोथ स्पेशली इन द मेल्स मेल्स में स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है क्यों हो रहा है ड्यू टू द एंड्रोजेनिकॉइ क्लियर सो हेयर

कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो पर्सन विल बिकम वीक एंड देयर विल बी वीकनेस एंड फटी एंड दिस डिजीज दिस क्लिनिकल कंडीशन इज नोन एज एडिसंस डिजीज तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट इन इन एडिसंस डिजीज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ अ कॉर्टिकल हार्मोन दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड व्हाई दैट मींस जिसके कारण क्या हो रहा है बिकॉज़ ऑफ व्हिच

Now, let's see the next part of the adrenal gland that is adrenal medulla. So, abhi We katika, abhiam adrenal cortex. Hana the outer part of the adrenal gland. Now it's time to study the inner internal part, inner part of the adrenal gland that is adrenal medulla. Okay, so what is adrenal medulla? It produces catecholamine hormone such as adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. अब जो इनर पार्ट है जिसे हम एड्रीनल मेड्यूला वाला पार्ट बोलते हैं वहां से भी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिस तरीके से कॉटेक्स के हॉर्मोन को कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को आपने बोल दिया था कॉर्टिकॉइड्स क्या बोल दिया था कॉर्टिकॉइड्स उसी तरीके से मेड्यूला से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स को बोला जाता है कैटेकोला माइंस क्या बोला जाता है कैटेकोला

एड्रीन ना ना? तो तो या नॉर एड्रीन बोलो एड्रीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज नॉर एड्रीन और या तो एपीनेफ्रीन या नॉन एपीनेफरीन बोलो ठीक है तो दो कैटेकोलमाइन के नाम आपको याद हो गए कैटेकोलमाइन क्या होते हैं कैटेकोलमाइन आर द ग्रुप ऑफ हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रीनल मेड्यूला एड्रीनल मेड्यूला से जो भी हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कैटेकोलामाइंस ओके क्लियर ठीक है तो दो होते हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन नाउ व्हाट इज द फंक्शन दे आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एमरजेंसी सिचुएशन सो कॉल्ड एमरजेंसी हॉर्मोन और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट ऑफ फ्लाइट तो जब भी फाइट या फ्लाइट की कंडीशन है जब भी फियर फ्लाइट या फाइट थ्री एफ आपको याद रखना है या? है है या फियर फियर मेंशन नहीं क्या होते हैं फाइट फ्लाइट की कंडीशन आप डर गए हो आप डर गए हो आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप कुछ भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे हो या किसी भी टाइप की एंग्जाइटी से फेस कर रहे हो अचानक से कुछ टेंशन आ गई अचानक से रिजल्ट आ गया तुम फेल हो गए मतलब कुछ भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है

तो अब भाई इमरजेंसी में तुम क्या करते हो आराम से काम डाउन बैठे रहते हो क्या हाँ हाँ ठीक है मेरा तो रिजल्ट आने वाला है ऐसे रहते हो कि भाई मेरा रिजल्ट आने वाला है ऐसी वाली हालत में रहते हो Obviously, the second reaction is most appropriate according to your emergency condition, है ना? तो भाई हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए रहते हैं, हम पूरे टाइम इधर उधर हो रहे होते हैं। किचन में जाएंगे पानी पीने के लिए हम भूल ही जाते हैं कि अरे हम किचन में आए क्यों थे? तो मतलब अगर इस टाइप की सिचुएशन कुछ चल रही है दैट मीन्स यू आर इन टू एमरजेंसी कंडीशन कुछ तो बुरा हो इन तीन एफ में से कुछ तो हो रहा है तुम्हारे साथ दैट इज वाई तुम्हारी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है तुम्हारी बॉडी में रिलीज हो रहा है एड्रीनालीन या फिर नॉर एड्रीनालीन ठीक है बढ़िया तो अब इसके कारण होता क्या है ट सुन कितनी तेज हो गई है तो ये तो अचानक से तुम्हारी हार्ट बीट कैसे बढ़ गई या फिर तुम डर गए थे तो अचानक से अरे भाई मैं तो पसीना पसीना हो गया मेरी तो एकदम भी हो गई थी मैं पूरा पसीना पसीना हो गया तो मतलब ये हो क्या रहा है इमरजेंसी कंडीशन में कि तुम्हारी बॉडी इस तरीके के रिस्पॉन्स दिखा रही है इंक्रीज हार्ट रेट स्वेटिंग इंक्रीज टेम्परेचर ये सब किसके कारण हो रहा है तो हां जी आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप समझ चुके हैं इट इज ड्यू टू दीज हारमोन्स द एमरजेंसी हार्मोन्स एड्रीन एंड नॉन एड्रीन क्या करवाते हैं ये दोनों एमरजेंसी हार्मोन दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस प्यूपिलरी डायलेशन आंखें बड़ी देन पायलो इरेक्शन

फास्ट मेटाबॉलिज्म हो इसके लिए क्या जरूरी है ग्लूकोज ज़्यादा हो इसके लिए क्या ज़्यादा हो बल्कि ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए फास्ट -फट मेटाबॉलिज्म मतलब, -फट के लिए और क्या होना चाहिए फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए जब ये और ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ये ऑक्सीजन जो बॉडी के और डिफरेंट पार्ट्स है वहां भी पहुंचनी चाहिए

अब उसके लिए वो कुछ भी करेंगे कुछ भी जैसे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा रहे हैं ग्लूकोज बढ़े हार्ट रेट रेस्पाइरेटी रेट सब कुछ इंक्रीज कर दे रहे हैं जिससे अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म बढ़े ज्यादा आईटीपी प्रोड्यूस हो और बॉडी उस एमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर पाए ठीक है समझ आई बात सो so, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन टू ग्लूकोज ग्लूकोज हमेशा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है तुमने अभी खाना खाया सारा का सारा ग्लूकोज यूज नहीं होता ग्लूकोज जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है अब अगले चार पांच घंटे तुमको भूख नहीं लगेगी तो अगले चार पांच घंटे तक बॉडी जो यूज करेगी वो ये सारा का सारा स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन को यूज करेगी तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस और जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो वो कहलाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ओके आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद में फैट्स का होता है एंड लास्टली प्रोटीन ठीक है तो सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होने लगेगा मतलब कि ग्लाइकोजेनोलिस होगा लिपोलिस होगा एंड प्रोटीओलिसिस होगा सारे जो भी आपके सब्सटेंस uh, होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उन सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा ताकि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो और आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर पाए अबाउट द एड्रीन क्लांट तो हमने एड्रीनल क्लांट को दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ा दिनल मेड्यूलाटिक्स हार्मो निकलते हैं कॉर्टिकॉड जो होते हैं ग्लूकोकॉटिकॉड मिनरलोटिकॉयड एंड एंड्रोजेकॉटिकॉइड हमने बात करी मेड्यूला के मेड्यूला से निकलते हैं सिर्फ एक टाइप के हार्मोस टाटा नोन कैटिकोल मतलब हार्मोस को बोलते हैं दो हॉर्मोस होते हैं एड्रलि नॉन एड्रिली जो कि होते हैं एमरजेंसी हार्मो सिंपल सी कहानी है तो अगर इस पूरी कहानी में कोई भी आपको डाउट आया है तो अपने डाउट्स को पूछ लीजिए और अगर सब कुछ समझ में आ गया और अच्छा भी लगा और मजा भी आया तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अपेडमी को कर लो सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीप वॉचिंग